हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, करवा चौथ आता है, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, सजते हैं, रीते मनाते हैं, थाली बरताने की, चांद देकर व्रत खोलने की। लेकिन जब हम व्रत की शुरुआत करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हम खाना खा के, एक सरगी होती है ना, सरगी खाते हैं, उसके कुछ हम खाना सुबह उठ के हमें बनाना पड़ता है। तो पहले पहले करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक आपको। दूसरा, आप व्रत रखने वाले हैं, पूजा करेंगे, लेकिन सुबह का जो इम्पोर्टेंट मील रहता है वो है सरगी। वो हमें क्या खाना चाहिए कि सारा दिन हमारा आराम से निकल जाए, हमें प्यास कम लगे। तो आज मैं आपको वही मील आइडियाज जो मैं खाती हूँ शेयर करूँगी। सरगी खाने में दोस्तों फलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप फल खाएं, 4 से 5 फल खाए जाते हैं, जिसमें कुछ सूखे मेवे होते हैं, जैसे बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं। और ताज़े फलों में दोस्तों नारियल ज़रूर खाइए, बहुत ही ऑस्पिशियस फ्रूट है, ज़रूर खाइए। कोई भी हम अच्छा काम करते हैं, नारियल खाइए, साथ में सेब जरूर खाइए, सेब और नारियल आप रखिए। थोड़े बादाम और किशमिश ले सकते हैं साथ में, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, पेट भी भरा रहता है बादाम खाने से। और अनार के दाने, ये हम पांचवा फल है, ये जरूर लेंगे। अनार के दाने खाने से हमारा गला नहीं सूखता, पानी की जो पूर्ति रहती है हमारे शरीर में अच्छे से रहती है। तो एक अनार छील लीजिए, कटोरी में रखिए, और ये रात में करके रखिए। अनार रात में छील के रखिए, नारियल फोड़ के रखिए, और आप इन फलों को खा सकते हैं। तो 5 से 7 फल अगर साथ खाते हैं तो आप काजू भी बना सकते हैं, थोड़े काजू ले लीजिए और अखरोट ले लीजिए। और ये फेनियों का भी बहुत महत्व होता है करवा चौथ में, जब मीठे के तौर पे ये फेनियाँ बना के खाई जाती हैं, ये स्पेशली करवा चौथ पे बनती हैं, बहुत अच्छी है। मैं क्या करती हूँ, तो रेसिपी तो मैं अभी आपको नहीं दे रही, आप इसे रात को दूध में पका के रखिए। मैं जनरली इन्हें रात में बनाकर फ्रिज में रख लेती हूँ, अगर आपको ठंडी खानी, ठंडी खाइए, हल्की गुनगुनी गर्म करके खा सकते हैं। तो एक फेनी आप रात में बना के रखेंगे, आपको आराम रहेगा। और चाय जरूर पीजिए, हम बहुत सी चीजें बनाते हैं लेकिन चाय नहीं पियेंगे तो सर भारी रहेगा। तो सुबह चाय का कप, आप जब इतनी जल्दी उठ के नहाते हैं, तैयार होते हैं, तो अदरक इलायची वाली चाय बनाइए, अच्छे से पका कर चाय जरूर पीजिए। उससे भी पानी की आपको उस रात दिन भर प्यास नहीं लगेगी और आपका सर भी नहीं दुखेगा। तो फ्रूट्स आप खा रहे हैं, साथ में चाय का कप जरूर बनाइए, थोड़े से पानी, खूब सारी इलायची अदरक के साथ चाय को बनाना है हमने। अदरक इसलिए डाला है, कई बार हेडेक हो जाती है, डाइजेशन के लिए अदरक अच्छा है, खुशबू के लिए भी इलायची अच्छी है और डाइजेशन के लिए भी। तो अदरक इलायची की चाय बनाइए, दूध डालिए, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, अच्छे से पकाइए चाय को। देखिए चाय हमारी बन गई है, तो आप चाय बनाइए, चाय पीजिए। और मैं रात में ही आटा गूंद कर रख लेती हूँ, आप दूध से भी आटा गूंद सकते हैं। देखिए मैंने सादा आटा लिया, उसमें नमक अजवाइन डाल के गूंद लिया। तो सुबह उसके पतले पतले परांठे बनाइए, आप लच्छा परांठे भी बना सकते हैं। देखिए पतले पतले परांठे बनाइए, और वैसे सुबह हमसे एक परांठे से ज़्यादा नहीं खाया जाता, आप एक परांठा खाइए, दो परांठे खाइए, तो करारे करारे परांठे बना सकते हैं। जो भी सब्जी आपने बनानी हो आप उसे रात में काट के रखिए। जैसे कि मैं गोभी बनाती हूँ, तो गोभी आलू की सब्जी के लिए आलू गोभी रात में ही काट के रख लेती हूँ, आलू को पानी में भिगो लेते हैं। तो इस तरह से आप सुबह सिर्फ अदरक और टमाटर का तड़का लगा के इस तरह से आलू गोभी की सब्जी बनाइए। देखिए फेनिया आपने रात में बना के रख ली, आटा रात में गूंद लिया, सब्जी रात में काट ली, तो काम हमारा 80% तक हो जाता है। तो देखिए फेनिया भी मेरी बनी रखी है, मुझे ठंडी अच्छी लगती है, मैं ठंडी खा रही हूँ। आप रात में बना के रखिए, सुबह गर्म करके भी खा सकते हैं। देखिए इतनी टेम्पटिंग लग रही है, इस तरह सेवियाँ बना के रखिए और इन्हें भी खा सकते हैं। अगर आपको गोभी की रेसिपी चाहिए दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूंगी लिंक में, मैंने कई बार आपसे बिना लहसुन प्याज की गोभी की रेसिपी शेयर की, तो आप डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में लिंक देख सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अभी से आकर्षक लग रही है, मिठाई भी हमने बना ली। और अब ये फलों की बारी आई है, तो मैं थोड़ा नारियल रख रही हूँ अपनी थाली में, और साथ में हम दोस्तों इसमें मेवे भी रखेंगे। तो जैसे कि हम अनार भी खाएंगे, अनार बहुत ज़रूरी है, अनार जरूर खाइएगा क्योंकि इससे आपको प्यास नहीं लगने वाली। थोड़ा अनार के दाने ले लीजिए, थोड़े बादाम ले लीजिए, और अगर आप 7 फल खाते हैं, जैसे कि कई लोग 5 फल खाते हैं, कुछ लोग 7 फल खाते हैं, साथ खाते तो अखरोट खा लीजिए, काजू खा सकते हैं। तो देखिए बादाम है, किशमिश है, साथ में सेब है, पूरा सेब तो खाया नहीं जाएगा, थोड़ा सेब रख लिया है। हमारी सरगी की थाली जो है इजीली हमने बना ली प्रिपरेशन के साथ, और ये देखिए चाय भी हमारी गर्मा गर्म साथ में पीने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर आप आलू की खाली, जीरा आलू बना के सब्जी खा सकते हैं, आप आलू के पराठे बना के खा सकते हैं दही के साथ। देखिए मैं सुबह आपको कहूँगी दही ना खाइए, चाय पीजिए, फेनिया खाइए, और पानी जरूर रखिए। पानी देखिए, वैसे भी हम फल जो खाते हैं, फलों में भी बहुत पानी होता है, तो हमें पानी की कमी जो है हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, दिन भर प्यास नहीं लगती। चाय पीजिए और फ्रूट खाइए। देखिए कितनी बढ़िया हमारी थाली रेडी है, जिसमें हमने थोड़ी गोभी की सब्जी बनाई है, आलू गोभी, थोड़े से देखिए फल हैं, नारियल है, और साथ में सेवैयाँ हैं,
उसमें काजू भी डाले हैं और बहुत ही न्यूट्रिशियस, साथ में पानी जरूर पीजिए एक दो ग्लास, और ये हमारी चाय भी तैयार है। जब खाना खा लें चाय पीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको सरगी थाली के आइडिया अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और हाँ मेरी तरफ से आपको हैप्पी करवा चौथ।